करीना कपूर और उनके पति सैफ अली खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सैफ ने एक 5-स्टार होटल में NRI के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि घूंसा मारकर उसकी नाक की हड्डी भी तोड़ दी थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त करीना कपूर खान, उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा समेत कुछ और दोस्त भी सैफ के साथ होटल में मौजूद थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 24 अप्रैल को सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों शकील लड़ाक और बिलाल अमरोही के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए गवाहों को पेश होने का समन भी जारी कर दिया है, जिससे सुनवाई का रास्ता खुल गया है। इस मामले की सुनवाई 15 जून को होगी। ये वही मामला है जिसमें सैफ अली खान को गिरफ्तार किया था। घटना 22 जनवरी साल 2012 को ताज होटल की है, जिसमें कारोबारी इकबाल मीर शर्मा अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। सैफ अली खान पर आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ खूब तेज तेज बोलकर बातें कर रहे थे, जिस पर इकबाल ने उन्हें टोक कर धीरे बोलने के लिए कहा, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सैफ अली खान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इकबाल की नाक पर घूंसा मार दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने सैफ अली खान, शकील लड़ाक और बिलाल अमरोही को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही तीनों को जमानत मिल गई। मामले को 11 साल हो गए हैं और अब आकर सैफ और उनके दोस्तों पर आरोप तय हुए हैं। अब सुनवाई इस बात की होगी कि इस मामले में सैफ को क्या सजा दी जाए, क्योंकि आरोप ये भी है कि सैफ ने पीड़ित और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।